रास रचा रहे हैं। और जब किसी भी व्यक्ति के एक से ज्यादा चाहने वाले हो जाए ना, तो उसकी नींद ऐसे ही हराम हो जाएगी। वो सोचेगा मुझे कम प्यार करते, उससे ज्यादा प्यार करते। वो सोचेगा मुझे कम प्यार करते, वो सोचेगा मुझे ज्यादा प्यार करते। और कन्हैया जी के लिए तो ब्रज की लताएं भी झुक जाती थी कि गए जिस रोज पे लेने सखी वो पुष्प शर्मा है। रोज का मतलब डाली होता है। कन्हैया जी जब जाते थे ना, तो डाली अपने आप झुक जाती थी कन्हैया जी के चरणों में। आज कन्हैया जी की बंसी सखियों ने चुरा ली है और कन्हैया जी कहते हैं, अरे मेरी बंसी दे दो, कोई नहीं देता। आज कन्हैया जी ने पहली बार ये सौदा से ब्रज की बालाओं की शिकायत की है। बाकी रोज तो बालाएं ही शिकायत करती थी। आज कन्हैया जी ने पहली बार कहा कि अरे माँ, तू मुझे रोज डांटती है ना, आज तू पहले मेरी शिकायत सुन ले। मैं क्या हुआ लल्ला? बोले आज तो राधा ने मेरी बंसी चुरा ली और बहुत सताती है मैं। बोले कैसे सताती है? कन्हैया जी कहते हैं, वो करती है तेरी मैया, करती है मुझसे छेद खाने यशोदा मैया, करती है मुझसे छेद खाने यशोदा मैया। राधा ब्रज की बहुत परेशान करती है, पास में आवे बहु इतरावे, मंद
मुस्कान करती है, बार बार इशारे करके मुझे आकर्षित करती है, और पास में ले जाऊं तो मेरे पास आके मेरा उलाहना देती है। मैया ने कहा, लाला आज बड़ी वेदना है, क्या बात है? राधा ने खींची थी मेरी पीतांबर, सीधे दिल के अंदर चोट करी ललिता ने, चोट करी ललिता ने, चोट करी ललिता ने सीधे दिल के अंदर। पीतांबर खींचती है तो एक सताती है और हमसे अपने मनमानी कराती है, कभी नचाती है, कभी कहती है लल्ला बंसी बजा दे, और नहीं बजाऊं तो तेरे पास आके शिकायत भी करती है। मुंह से करा दे मनमानी ये सो जा, साक्षीदार भी दूंगा, गवाही भी दूंगा। ललिता ने मुर्गी चोरी, राधा गवाही थी, ललिता ने मुर्गी चोरी, राधा गवाही थी। बेचैन बंसी के बिन मन में तबाही थी, बेचैन बंसी बिन में चैन, सी बिन में चैन, बंसी बिन मन में तबाही थी, फिर इल्जाम हम पे ही लगेगा। अब तू ही मेरी बंसी दिला दे, अरे माँ मेरी बंसी को दिला दे, ये बंसी में मेरा प्राण बसंत है, ये बंसी बिना मैं ना जिंदा रह सकूं, बंसी दिला दे। यशोदा माँ से आज नंद जी
ये पहली बार ब्रजवाला ने शिकायत की, बाकी तो सब शिकायत ब्रजवाला ही कहती थी। ब्रह्मांड पूरे की है नादानी टीकाकार अलग तरीके की बात करते हैं। कन्हैया जी ने अगर माथे पे बिंदी लगाई तो कहा मात का जो बिंदी है वो सुहाग का प्रतीक है। अब वो बात अलग है, आजकल मांग के बिंदी की जगह वॉशरूम के दरवाजे पे है, तुम यहां बैठो मैं बाद में आती। कन्हैया जी ने अगर माथे पे बिंदी लगाई तो कहा बालाओं भारतीय संस्कृति के आधार से भारतीय नारी के मांग पे अगर बिंदी है तो सुहाग के लिए है। मांग का अगर सिंदूर है तो उसको लगाने से उसके पति की उम्र बढ़ जाती है, उसकी कुदंती है। प्रमाण है रामायण में, एक दिन हनुमान जी महाराज जानकी जी के पास गए थे, जानकी जी सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी महाराज ने कहा भैया सिंदूर क्यों लगाती हो? बोले हनुमंत इसके लगाने से मेरे स्वामी और तुम्हारे प्रभु की उम्र बढ़ जाती है। हनुमान जी की तो रोम रोम में वासी थी। हनुमान जी ने कहा माँ अगर तेरे इस 2.5 इंच में सिंदूर लगाने से मेरे राम की उम्र बढ़ जाए तो मैं पूरा अपने आप को ही लाने कर लूंगा जिससे मेरी उम्र को बढ़ जाए। हनुमान जी ने स्वयं को लाल कर लिया, राज दरबार में गए, प्रभु ने देखा हनुमंत ये क्या लीला है। कहने लगे प्रभु आज मैं अच्छा तो लग रहा हूं ना? राम जी ने कहा हाँ बहुत अच्छे लग रहे, लेकिन ये क्यों किया? आज मैं माता जी के पास गया था, माता जी सिंदूर लगा रही थी तो मैंने पूछा मैया सिंदूर क्यों लगाते हो? कहने लगी सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ जाती है, यानी मेरे स्वामी की और तेरे प्रभु की उम्र बढ़ जाती है। मैंने सोचा प्रभु कि अगर माँ के माथे पे 2.5 इंच में सिंदूर लगे तेरी उम्र बढ़ जाती है तो मैं पूरा लाल करके बैठ गया कि मेरे प्रभु की उम्र अतिशय बढ़ जाए। ये भाव भक्ति। हनुमान जी की इससे भगवान प्रसन्न हो गए, जाओ हनुमत जाओ आज के बाद तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग के अंदर जब भी किसी के जीवन में अतिशय कष्ट होगा तुम्हें अगर हनुमान चढ़ा दे, हनुमान को सिंदूर चढ़ा दे तो राम को पा जाए और जीवन के कष्ट से मुक्त हो जाए। उसी दिन राम जी ने हनुमान कन्हैया जी ने यहाँ संकेत दिया कि मान का सिंदूर अगर है तो पति के सुहाग का वरदन है।
वो बात अलग है, मार्कर से काम चलता है। यहाँ के लोग तो सिंदूर ही लगाते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में लोग मार्कर लगाते हैं। इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, सत्संगी है, दिन भर मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। हाथ की चूड़िया सुहाग का प्रतीक है, भगवान ने हाथ में चूड़िया डाली है। चूड़ी भी कैसे पहनना ये भी प्रमाण है। हाथ की चूड़िया अगर आप देखेंगे, किसी के पति की मृत्यु हो तो पहले चूड़िया फोड़ी जाती है। एक बार अगर पति की मृत्यु हो तो चूड़िया फोड़ी जाती है, और अगर एक गर्भवती एक माता से पुत्र पैदा हो तो उसकी चूड़िया उतार कर नहीं पहनाई जाती, उसके बाद वो रसोई में प्रवेश करती। हमारी तरफ की परंपरा है, आपके यहाँ का पता नहीं पहली बार है। सूतक दोनों में लगता है, एक बार बेटा पैदा होने पर भी और मौत होने पर भी, दोनों में सूतक लागू कब होता है? जब प्रेत आत्मा को शरीर को पार्थिव को अग्निदाह कर दिया जाता है उस समय से शुरू होता है सूतक, और जब बच्चे को माँ के नाभिकुंड से काट के अलग कर दिया जाता है उस दिन से शुरू होता है सूतक। कन्हैया जी ने एक एक चीज में संकेत दिया है। स्त्री के अंग का श्रृंगार है ना, वो कहीं ना कहीं भारत संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में मर्यादा है। कन्हैया जी ने सिर पे पल्लू भी रखा है, पूरा साज श्रृंगार किया है, आनंद रचा रहे हैं। और मेरे भाई, अगर हम किसी से कहें हमारी बात मान लो तो कोई नहीं मानेगा। जैसे कीचड़ को साफ करना हो तो कीचड़ में उतरना पड़ता है, ऐसे ही ब्रज की बालाओं को अगर ज्ञान देना था कन्हैया को तो उनके जैसा कृत करना ही। तो ब्रज गलियन में शोर मची है, बरस रहो जाऊंगी तो सास लड़ेगी।
नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है और द्वादशी के प्रवेश करने पर रात्रि के बेला में माँ कालिंदी यानी जमुना में स्नान के करने चले गए। वरुण लोक से वरुण के दूत उनको पकड़ के वरुण लोक ले गए हैं। अब यहाँ देखिए कि संतों की सभा में, परमात्मा की सभा में सिर्फ न्याय होता है, अधिकार नहीं देखा जाता कि आपका बाप एसपी है तो पड़ोसी को धमकी देते चलो। वरुण लोक से सूचना आती है और कृष्ण जी से कहा गया कि भैया आपके पिता श्री को, महाराज नंद को वरुण लोक में कैद कर लिया गया। वो तो परमात्मा श्री हरि थे, यदुनंद थे, नंद बाबा थे, बहुत बड़े लोग थे, फिर भी वरुण ने अपने दूतों से नंद बाबा को दंडित क्यों किया? नहीं करना चाहिए थे ना, लेकिन सत्य राजधर्म जाने वो राजधर्म तो राजधर्म है, चाहे उसमें दोषी किसी का बाप हो या स्वयं राजा का बाप हो, उसको कहते हैं महाराज राजधर्म, वहां सत्य होता है। भगवान कृष्ण अपने पिता को छुड़ाने के लिए वरुण लोक में पहुंचते हैं। वरुण लोक में जब भगवान का प्रवेश होता है, अक्षत पुष्प लेकर के लोग उनकी पूजा करते हैं, पादुका पूजते हैं, पंचामृत का पान करते हैं।